कांटे जिसने चुन लिए सारे कांटे, भूल ही भूल जिसने है बाटे जिसने चुन लिए सारे कांटे। राज छोड़ दिया ताज छोड़ दिया, राज छोड़ कर राज छोड़ बनवास जिसने खेला सौतेला गलत बात है। जब भी मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी जताने के लिए फोन करता हूं तुम धड़ से मुझ पर कोई इल्जाम लगा देते हो। तुम्हारी हमदर्दी की मुझे कोई जरूरत नहीं है देवराज चौधरी, लेकिन यह बात याद रखना तुम्हारी बर्बादी पर कोई हमदर्दी जताने वाला भी नहीं होगा। हाँ डैडी, क्या यह बात सच नहीं है कि यह हरकत चिली कोला के मालिक देवराज चौधरी के आदमियों ने की है? और आप ये बात अच्छी तरह जानते हो। तुमसे किसने कहा? आखिर ऐसा क्या है पर्स में जिसमें तेरी जान अटकी हुई है? मेरे आशिकों के लव लेटर्स है। क्यों, पढ़ना चाहती हैं आप? जरूर, जरा मैं भी तो देखूं आजकल के लड़के कैसे लव लेटर लिखते हैं। लगता है पहले के लड़कों के बहुत सारे लव लेटर्स पढ़े हैं आपने। कामिनी, क्या बात है, इतने खामोश क्यों हैं आप लोग? कुछ नहीं डैड, बस यूं ही। ओ, तो आपको भी लग गया है बेतुकी बातें करने का रोग। बट नो इफ नो बट, आपके पॉकेट मनी से 500 रुपए कट। वाओ, अब आया ना मजा, आपको भी मिल गई बेतुकी बात की सजा। प्लीज डैड, आप ही बताइए ऐसी सिचुएशन में कोई तुकबंदी कैसे करेगा? जो नहीं करेगा वो जुर्माना भरेगा। गुड, लगता है आजकल शायरी की क्लास ली जा रही है। वैसे बरखुरदार, ये तो बताइए कि वो कौन है जो आपके काफिये से काफिया मिला रही है? वो ऐसी तो कोई बात नहीं है डैड, ये राइमिंग तो अपने आप ही आ रही है। बरखुरदार, जब दिल के धड़कने की टाइमिंग सही हो जाती है ना, तो खुद ब खुद हर शब्द की राइमिंग सही हो जाती है। डैड, वैसे मुझे पता है क्या बात है। मैं बताऊं इस राइमिंग की टाइमिंग के पीछे किसका हाथ है? वैसे बेटा, ये तो सबको पता है कि हर कामयाब बिजनेसमैन और कामयाब शायर के पीछे किसका हाथ होता है। कम ऑन शुभम, शर्माओ मत, इस उम्र में ऐसा सबके साथ होता है। वैसे गौरी बेटा, तुम भी तो कुछ कहो। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कोई भी बात बेतुकी ना हो। जी वो जी, हमारे बाबूजी कहते थे कि हम हमेशा बेतू की बात करते हैं, इसलिए हम कुछ भी बोलने से डरते हैं। वाह वाह गौरी बेटा, क्या बात है। शाबाश गौरी, अच्छी शुरुआत है। वैसे जीजा जी, थोड़ी बहुत तुकबंदी हमें भी आती है, जैसे कि कल्याणी कितना सारा खाती है, चक्कर चला के कर दिया ना सत्यानाश तकिए पे कलाम लगा के। आपने तो सबकी छुट्टी कर दिया। आपने तो बड़ी जल्दी सीख ली तुकबंदी। इसे कुछ आता वाता नहीं है, इसका तो वही हिसाब है कि लग गई तो तुक वरना तुक्का चक्कर चला के।
समझिए। टीना पता है आज तो बस मेरी जान बच गई। क्या हुआ क्या? अरे भाभी के हाथ ही मोबाइल लगने वाला था और सारी की सारी पोल खुल जाती। तू भी कमाल है यार, इतने डर और खतरे के साथ तू उस घर में रहती कैसे है? अरे मेरे दिल से पूछ, हर वक्त ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, जहाँ लटकी रहती है यू नो। पर देखा जाए तो ये एक तरह का एडवेंचर है ना, इसमें भी एक मजा है। बिना एडवेंचर के प्यार में भी मजा कहाँ? प्यार? तो शोन से प्यार करती है? वेल, अभी तक तो मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, पर हाँ अब तक जो फिल्में मैंने देखी हैं, उसमें प्यार ऐसा ही कुछ होता है। नो, प्यार ऐसा नहीं होता है। प्यार करने वाले एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हैं। एक कमॉन ना, फिल्मों में तो बहुत आसानी से बोल देते हैं। देख कामिनी, फिल्में सिर्फ फिल्में होती हैं, जिंदगी नहीं। और सोच, अगर शुभम को तुझसे सचमुच में प्यार हो गया और तब उसे पता चला कि तू, तब क्या करेगी? मैं उसे कभी पता होने ही नहीं दूंगी। अभी नहीं, पर पास शादी तक पहुंची तब क्या करेगी, जरा सोच। कमॉन यार, तब तक तो हम दोनों इतनी दूर जा चुके होंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कोई रईस जादी हूँ या मिडिल क्लास लड़की। इट वोंट मैटर। इट विल मैटर। इट वोंट मैटर टू शुभम, पर उसकी फैमिली को फर्क पड़ेगा। ओ कमॉन यार, यू डोंट हैव टू बी सो सीरियस। जब ऐसा कुछ होगा तब का तब देखेंगे। वी शैल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच देयर। ओके, पछताएगी कामिनी तो बहुत पछताएगी। हाँ मैं तो कुछ करके पछताऊंगी ही, पर पता है तू तो यही सोच सोच के पछताएगी कि हाय मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी कुछ किया क्यों नहीं। You are so mean. Yes, that I am. Don't worry guys. अरे हाँ, शो शुरू होने से पहले पहुंचाऊंगा। बाय 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 बाय। माय गॉड, यहाँ देर हो रही है और इस पैंट पर आया नहीं। आप कुछ परेशान हैं जी? नहीं जी, लेकिन अब आप आ गई हैं तो मैं जरूर परेशान हो जाऊंगा जी। जी आई मीन, अगर मैं परेशान हूँ तभी तुम क्या कर लोगी? जी हम आपकी मदद करेंगे जी। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, आप बताइए ना क्या प्रॉब्लम है जी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी इस पैंट पर आयरन नहीं है। आयरन? आयरन प्रेस, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, वो इस्त्री, इस्त्री नहीं है मेरी पैंट पर। आप कहेंगे तो हम कर देंगे जी। तुम? नहीं नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे जी। तुम्हें प्रेस करना आता है? हाँ आता है ना जी, बाबूजी के कपड़े हम ही इस्त्री करते थे जी। लोटे में चूल्हे से अंगारे भर के खूब दबा दबा के करते थे जी। गौरी, हमारे घर में ना लोटा है और ना ही अंगारे। नहीं जी, वो दूसरी वाली इस्त्री से हमें इस्त्री करना आता है जी। ओके, लेकिन जरा जल्दी करना, मुझे देर होगी। बस हम अभी गए और अभी आए जी। गौरी प्रेस करके लाना। पता है जी। ओह गॉड। हाय हाय मेरी बन्नो, बड़ी खुश दिखाई दे रही है, क्या बात है जी? वो हाय हाय लल्ली, किसकी पत्नी लिए फिर रही है तू कसम से? उनकी है, उन्होंने स्त्री करने दी है जी। अरे वाह मेरे बन्नो, तू तो बड़ी फास निकली, इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गई कसम से। हाँ जी। कोई बात नहीं मेरी बन्नो, इसी तरह लगे रहियो, एक दिन इस पतलून का मालिक भी तेरे हाथों में होगा, इसी तरह कसम से। जा जा के इस्त्री कर, जा। हाय हाय कल्याणी, अगर तू भी
उस चक्कर चलाने वाले के चक्कर में ना पड़ी होती ना तो तू भी किसी को चक्कर में फंसा कर राज कर रही होती। कोई बात नहीं, रानी ना सही राजमाता बनकर ही संतोष करना पड़ेगा। कसम से, चल अंगूर खा। हाँ जी, सॉरी मैं तो भूल गई थी कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। वैसे आप ये सब कर क्या रही हैं? जी, उन्होंने हमसे इस जींस पर इस्त्री करने के लिए कहा है जी। हो रियली? हाँ जी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है जी कि हम इस इस्त्री में कोयला कहाँ से भरे जी, और ये बहुत हल्की भी है जी। ये प्रेस हल्की ही होती है, आप क्या हमें बेवकूफ समझती है जी? हमारे गांव में भी बिल्कुल ऐसी स्त्री होती जी। हाँ, लेकिन वो कम से कम 5 किलो की होती जी, और उसका मुंह खोलकर उसमें कोयला डालकर जलाते हैं जी, लेकिन इसका तो मुंह ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक पूत जरूर है जी। ये कोयले से नहीं, बिजली से चलती है। जस्ट अ मिनट, ये जो प्लग है ना, इसे स्विच में लगाना है और ये खुद ब खुद अपने आप ऑन हो जाएगी। सच्ची? अरे वाह, ये तो एकदम कमाल की स्त्री है जी। लेकिन नैन्सी जी, हम इसे कपड़ों पे कितनी देर रखे जी? जब तक कपड़ों से अच्छी तरह धुआं ना निकले, समझी जी? नैन्सी जी। यस। थैंक यू जी। पहले बटन दबाना जी, फिर इसे पूरा गोल घुमाना, और फिर इसे पे ऐसे रखना जब तक के धुआं ना निकलने लगे। चमत्कार कैसा? आप और गौरी को आवाज लगा रहे? मॉम, मैं गौरी को इसलिए आवाज नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके दर्शन करने हैं। मैंने उसे जीन्स दी थी आयरन करने के लिए, एंड लुक एट द टाइम, अब तक नहीं लेकर आई है। मुझे देर हो रही है, मुझे शो में जाना है। गौरी! वैसे तुम इन कपड़ों में भी अच्छे लग रहे। मेरी जींस जी, आप दूसरी जींस पहन लीजिए जी, वो जींस आप पर अच्छी नहीं लगती जी। What? कपड़ा अच्छा नहीं है जी। तो तुम मेरी जींस आयरन करना भूल गई? कोई बात नहीं, मेरी जींस ऐसी दे दो, मैं ऐसी पहन लूंगा। लाओ। नहीं, आप नहीं पहन पाएंगे जी, वो जींस आपके पहनने के लायक नहीं है जी। ओह गॉड मॉम, मुझे बहुत देर हो रही है, इसे कहिए कि मेरी जींस मुझे दे दे। गौरी, अगर तुमने उसकी जीन प्रेस नहीं की है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही दे दो इसे, बस उसके हाथ में थमा दो और पीछा छुड़ा लो अपना। नहीं जी, ऐसे कोई बात नहीं है, हमने स्त्री तो की, लेकिन लेकिन माय गॉड मॉम, इसमें हमारी कोई गलती नहीं जी, हम बहुत देर तक धुआं उठने की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन धुआं ही नहीं उठा जी, और जब हमने इसलिए उठा कर देखा तब जाके कहीं धुआं उठा जी। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। आप इडियट, मैंने बेवकूफी की जो मैंने ये सोचा कि तुम ये काम कर सकती हो, लेकिन ये तो विशेष, डोंट ओवर रिएक्ट, चल रही होगी गलती से।
जींस पे इतना नाराज होने की? गलती से मॉम, ये कोई सिल्क मटेरियल नहीं है, इसे जींस, और जींस को कोई पागल नहीं चला सकता है मॉम, और ये इट्स डिस्गस्टिंग यार। क्यों गौरी मैं जा बेचारे। वैसे समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा बेचारा कौन है। दोनों जानता हूं युगांक, हम इस उद्योग में नए हैं, इसलिए केवल तुम्हें ही नहीं मुझे भी तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञों और कुशल सलाहकारों की आवश्यकता होगी। यू राइट पंडित जी, आपने कहा था कि आपने कुछ लोगों को अपॉइंट किया है। एक पूरा दल गठित किया है मैंने, जो इस शीतल पेय के क्षेत्र में संपूर्ण जानकारियां एकत्र कर रहा है, परंतु उनमें एक लड़की है जिसका अनुभव, विवेक और कार्यकुशलता देखकर मुझे लगा कि ये हमारे उद्यम को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है, बहुत सही तरह से संचालित कर पाएगी, और उससे तुम्हें भी बहुत सहयोग मिलेगा। एक बार तुम मिल लो उससे। मैं मिलके क्या करूंगा पंडित जी, अगर आपको काबिल लगती है तो आप अपॉइंट कर लीजिए, कोई जरूरत होगी तो मैं बाद में मिल लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आगे तुम्हें ही उसके साथ अधिक काम करना पड़ेगा, इसलिए देखना आवश्यक है कि मानसिक स्तर पर तुम उसके साथ कितना सहज हो पाते हो। कुमारी शर्मा को भेजो। पंडित जी, ये तो तय है कि जो शख्स आपके मेंटल लेवल पर खरा उतरा होगा उसके साथ काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अगर लड़की की जगह पे कोई आदमी होता, आई मीन मेल, तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करता। May I come in? Yes. तुम ही हो? मैंने कंपनी की प्रोफाइल में तुम्हारा नाम देखा था, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम वही युगांक रॉय निकलोगे जिसे मैं जानती हूँ। कितनी अजीब बात है, मैंने भी नहीं सोचा था कि हम दोबारा इस तरह मिलेंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम कभी इंडिया आओगे नहीं, और मैंने फैसला किया था कि मैं इंडिया में रहूंगी, और आखिर तुम्हें भारत आना ही पड़ा। आना ही पड़ा, बट दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। वैसे परदेश में कोई अपना मिलता है तो बहुत खुशी होती है। परदेश? कम ऑन युगांक, दिस इज योर ओन कंट्री, ये तुम्हारा अपना देश है। जानता हूँ, मैं तो इस देश को अपनाने के लिए ही आया हूँ, लेकिन अब देखना ये है कि ये देश मुझे अपना समझता है या सोते जाते। तो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? या, वी वर इन द सेम बैच व्हेन वी वर डूइंग एमबीए, सो वी आर वर्किंग टुगेदर। It will be absolute pleasure to work with you and a complete honor. Thank you. आँखों में ख्वाबों की बारात लेके, होठों पे गीतों की सौगात लेके, दिल में मोहब्बत।
मोहब्बत के जज्बात ले।